खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां हेमवती नंदन बहुगुड़ा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ। वहीं विभिन्न पदों पर छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया। साथ ही नामांकन करने आए छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। नामांकन करने के लिए बड़ी धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ नामांकन कराया। वहीं छात्र छात्राओं में अलग ही उत्साह देखा गया। वहीं मौके पर पहुंचे SSI अशोक कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा नामांकन प्रक्रिया पर गहरी नजर रखी जा रही है, साथ ही हमारे पुलिस बल मौके पर तैनात है, और कहा कि नामांकन को सकुशल कराने के लिए पुलिस बल मौके पर बना हुआ है। देखिए, ये छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके जो स्टेप हैं, नामांकन, नाम वापसी, जनरल गैदरिंग, उसके बाद इलेक्शन, इन सब प्रक्रियाओं को सकुशल संपन्न करने के लिए हमारा जो डिग्री कॉलेज खटीमा में है, जब से इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे यहाँ पुलिस बल तैनात है। आज निर्वाचन में नामांकन प्रक्रिया जो है 11 बजे प्रारंभ हो गई थी। 11 बजे से साय 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी, और अभी तक लगभग 4 विभिन्न पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है, और ये प्रक्रिया 3 बजे तक चलेगी। इसमें अभी आज पूरा दिन बाकी है। अभी मैं डॉक्टर गुरेंद्र सिंह, चुनाव प्रभारी महाविद्यालय खटीमा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।